कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करी कि सचिन पायलट फाइनली बीजेपी में जा सकते हैं, क्या बीजेपी में उनका शानदार स्वागत हो सकता है, क्या कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी संग्राम लगातार चल रहा है यहाँ पर राजस्थान में, वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। माना गया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी माहौल शांत रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गहलोत तो शांत बैठने वाले है ही नहीं, और वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि गहलोत और पायलट के बीच जो तकरार है वो लगातार इसी तरीके से बरकरार रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक नेता है, बीजेपी नेता भूपेंद्र नाम के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कौन होते हैं यहाँ पर पायलट को अपनी पार्टी में लेने वाले, लेकिन जहां तक आसार है तो पायलट खुद ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, ये बात यहाँ पर सामने आई। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, ये बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ दिखाने के लिए गहलोत शांत बैठे थे, और इसलिए इस वजह से कहीं ना कहीं गहलोत और पायलट के बीच माना जा रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, दिल से दिल मिल चुके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा था, ये बात साफ तौर पे यहाँ पर भूपेंद्र कहते नजर आए। लेकिन आगे आपको बता दूं कि ये जो समय चल रहा है वो काफी ज्यादा नाजुक है, क्योंकि अगले साल इसी समय पर चुनाव होने वाले है राजस्थान के, और बारी देखी जाए तो यहाँ पर बारी भाजपा की है, यानी कि बीजेपी पार्टी की, और यहाँ पर सचिन पायलट कहते नजर आ रहे कि कांग्रेस पार्टी को रिपीट कराएंगे। तो क्या ये आसान हो पाएगा यहाँ पर रिपीट होना, या फिर भाजपा यहाँ पर भारी बहुमत से जीतती नजर आएगी? साफ तौर पे नेता भूपेंद्र ने ये भी बात कह दी कि हमने जिस विकास पर छोड़ा था यहाँ पर 5 साल पहले, यानी 4 साल पहले राजस्थान को, उससे भी नीचे गिर चुका है राजस्थान, तो किस तरीके से जनता उन पर विश्वास कर पाएगी, क्योंकि जनता की मांग यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं सिर्फ सचिन पायलट है। तो सचिन पायलट अगर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ रुख करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सचिन पायलट की वजह से भाजपा आसानी से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। 25 सितंबर का दिन सबको याद है, किस तरीके से बगावत हुई थी, 91 विधायकों ने यहाँ पर बगावत की थी, यहाँ पर इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। तो इस खबर में यही था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे कि सचिन पायलट इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पर पायलट। आप भी इस बात से वाकिफ है और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या सचिन पायलट को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।